आए दिन फर्रुखनगर नगरपालिका के खिलाफ उत्तर रही फर्रुखनगर की जनता किसी ना किसी वार्ड की समस्या को लेकर सामने आ रहे हैं। लोग बार बार नगरपालिका और लिखित देने के बाद भी नहीं हो रहे फर्रुखनगर नगरपालिका में काम। फर्रुखनगर नगरपालिका को बार बार दोषी ठहरा रही है फर्रुखनगर की जनता। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए HHS हरियाणा न्यूज। यह रोड नगर पालिका द्वारा 3 साल पहले 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अब यह रोड जर्जर हालत हो चुका है और इस रोड के साथ में नाले भी बनाए गए थे दोनों साइड, जो कि अब बंद हो चुके हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने 1 हफ्ता पहले नगर पालिका प्रशासन से शिकायत भी दी थी कि यह रोड जर्जर हालत हो चुका और नाले बंद हैं, इनको खुलवाया जाए, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुनी और अब यहाँ पर गहरा गड्ढा हो गया है जिससे कोई हादसा हो सकता है। नगर पालिका अधिकारियों को सुबह 8 बजे अवगत कराया गया था, लेकिन अब 1 बज चुका है, आज अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं। हाँ जी, आया था कोई अधिकारी? नहीं आया, नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, ये गड्ढा नालों की वजह से हुआ है? कैसे? नालों की वजह से जी, नाले सफाई नहीं है बिल्कुल भी। आपने शिकायत दी थी? हाँ जी, शिकायत ये है, इसकी कॉपी है, रिसीव किया हुआ। अच्छा, नगर पालिका दी थी? ये दी थी जी, देख लो ये डेट इस पे है, 9 तारीख को शिकायत दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ देखने तक भी नहीं आया है कि इस रोड की क्या हालत है। जब कोई हादसा होगा तब भी कोई अधिकारी पहुँचेगा। ये सभी वार्डवासी प्रशासन से नाराज है और नगर पालिका से भी अधिकारी जो बैठे हैं वो इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सब लोग परेशान है। बताओ और समस्या बताओ। समस्या नाले सफाई होने चाहिए दोनों तरफ के, पानी जाना चाहिए आगे सर। अच्छा ठीक, सीवर में पानी जाना चाहिए। ये देख लो नगर पालिका फर्रुखनगर कैसा काम करती है। ये जनता परेशान है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सुबह 8:30 बजे अवगत कराया गया था अधिकारियों को, लेकिन अब 1 बज चुका है, अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और ना ही देखने आया है। ये सब लोग परेशान हैं, यहाँ पर गहरा गड्ढा हुआ है, आने जाने वाले साधनों को बहुत दिक्कत हो रही है। चलो।